हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम बलजीत ढाका, पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम करते हैं डिस्कस, जैसा कि आप जानते हैं, अगर हो सकता है आपको पता हो और नहीं पता हो तो हम उसके माध्यम से, इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से एसएससी ने जो डेट अनाउंस की है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये एक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेशन है, सिर्फ एक जानकारी दे रही है, कुछ एक मिनट की प्रेजेंटेशन होगी। इसमें हम डिस्कस करेंगे एक एसएससी ने जो एग्जाम डेट अभी डिसाइड की है वो क्या है। टायर टू का एग्जाम अभी हाल ही में होने वाला है, तो जैसा कि आप इस प्रेजेंटेशन पे देख रहे हैं, एग्जाम होगा वो टायर टू का, वो है 30 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक, मतलब 3 दिन के लिए एग्जाम होगा, जिसमें कि पेपर टायर टू का पेपर 1, 2, 3 और 4, 4 पेपर, और जो 2 पेपर होते हैं कंपल्सरी सभी के लिए वो होंगे। हालांकि ये टेंटेटिव डेट है, लेकिन हम ज्यादातर चांसेस है कि यही डेट रहेगी। जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में जानकारी लेते हैं, क्या है नोटिफिकेशन जो अभी कल आया है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। नोटिस रिगार्डिंग कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2016। इस नोटिफिकेशन में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज कंडक्टेड द कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2000 इन द कंप्यूटर बेस्ड मोड। जैसा कि आप जानते हैं, आप सभी लोगों ने ये एग्जाम दिया होगा जो इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं। एसएससी का ये कहना है कि 43 बैचेस में ये एग्जाम हुआ था और लगभग 96 सिटी में हुआ था, 415 वेन्यूज पे। एक सिटी में 3-4 सेंटर होते हैं आमतौर पे। एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड एट श्रीनगर ऑन 25 सितंबर 2016, क्योंकि वहां पे कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी, डिस्टरबेंस, इसकी वजह से बाद में ये एग्जाम हुआ। और कुल मिलाकर जो बहुत सारे स्टूडेंट का ये मानना होता है, ये सोचना होता है कितने अपीयर इस एग्जाम में कैंडिडेट हुआ होंगे और कितने लोग अप्लाई करते हैं, तो एसएससी ने जो ऑफिशियल डाटा दिया है उसके मुताबिक 38 लाख से ज्यादा जो कैंडिडेट है उन्होंने रजिस्टर किया था टायर वन के लिए, और उसमें से लगभग 40% के आसपास आप बोल सकते हैं उन लोगों ने इस एग्जाम को दिया था। 14.99, 15 लाख लोगों ने 38 में, मतलब हाफ से भी कम लोगों ने ये एग्जाम दिया। बहुत सारी एब्सेंटिज्म होती है, लेकिन लोग अप्लाई जरूर करते हैं, उसके बाद एग्जाम देने दे ये अलग बात है। द कमीशन ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट ए री एग्जामिनेशन फॉर वन शिफ्ट। अभी हमारे पास फोन आए हैं हमारे स्टूडेंट्स के कि उनका ये सेंटर था, सेकेंड शिफ्ट थी और बैच था 2, उसमें टायर 1 का एग्जाम हुआ था। इस बैच की बात हो रही है, 27 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था, और वो सेकेंड शिफ्ट की बात हो रही है, उनका एग्जाम अब दोबारा होगा। कुछ ऐसे रीजन होंगे जिसकी वजह से ये एग्जाम सक्सेसफुली हम बोल सकते हैं कि कंडक्ट नहीं हुआ। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, किसी कंप्यूटर नहीं मिला या किसी का सर्वर डाउन था या कोई प्रॉपर और रीजन होंगे। दिस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट, लेकिन ये एग्जाम दोबारा उन्हीं कैंडिडेट का होगा जो जिन्होंने कि इसमें अपीयर हुए थे इस पर्टिकुलर बैच में। टेंटेटिव डेट फॉर री एग्जामिनेशन इज 27 अक्टूबर 2016, मतलब अगले लगभग 12 दिन का समय बाकी है। अगर ये लोग अच्छी तरह से प्रिपेयर करना चाहते हैं, अगर प्रिपरेशन ठीक से नहीं थी तो अगले 12 दिन में इनका एग्जाम होगा। जो लोग इनमें इस जो यहाँ पे जिनका एग्जाम था, फर्दर डिटेल इन दिस रिगार्ड विल बी इंटीमेटेड टू द कैंडिडेट सेपरेटली इन ड्यू कोर्स। तो एक ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और जो इन्फॉर्मेशन है, रिजल्ट फॉर सीजीएलई, बहुत सारी अफवाहें चल रही है कि रिजल्ट आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, ये अगले हफ्ते आएगा, रिजल्ट कैंसिल होगा, कई एक दो लोग ये भी बोल रहे हैं। तो लेकिन एसएससी ने पूरा क्लियर कर दिया है कि इस एग्जाम का जो रिजल्ट है एसएससी सीजीएल टायर 1 का 2016 के लिए, उनकी जो टेंटेटिव डेट है रिजल्ट आने की, वो है 8 नवंबर। सो इसका मतलब अगले 20 दिन में इसका रिजल्ट आएगा, 20-25 दिन में इसका रिजल्ट आएगा, तो तब तक वेट कीजिए। हाँ, ये अलग बात है, टायर 2 की जो तैयारी है वो आपको इमीडिएटली आपने स्टार्ट कर दी होगी, अगर नहीं की है तो स्टार्ट आपकी होनी चाहिए, क्योंकि टायर 2 का जो एग्जाम होगा वो होगा
30 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर 2016 के बीच में। इसका मतलब लगभग 45 डेज के आसपास आपके पास समय है टायर टू का एग्जाम के लिए। और मुझे लगता है 45 डेज है वो काफी होते हैं अगर टायर टू, क्योंकि टायर वन का जो सिलेबस होता है मैथ का, वो सेम टायर टू होता है, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन पे और आपकी जो कंसोलिडेशन और मार्किंग होती है उसके ऊपर आपको काम करना होता है। और टायर जो इंग्लिश का भी सिलेबस होता है थोड़ा बहुत, अगर नरेशन एक्टिव वाइज को छोड़ दें तो वही सिलेबस होता है, लेकिन कॉम्पिटिशन टफ होता है। इस जो 30 लाख लोगों ने रजिस्टर किया था, फिर 14-15 लाख लोग अपीयर हुए हैं और उसमें से लगभग 1.5 लाख के आसपास कैंडिडेट है वो टायर टू में आएंगे, 1.5 लाख के आसपास। तो जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं वो ऑब्वियसली उनका टायर टू में होगा, क्योंकि टायर वन में उनका अच्छा एग्जाम हुआ होगा। टायर टू में जो अभी सीरियसली तैयारी कर रहे हैं वो टायर थ्री में जाएंगे, टायर थ्री में जाएंगे जो कि एक रिटन एग्जाम होगा। तो इम्पोर्टेंट हेयर, सबसे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है कि 45 डेज को प्लान करना है, जिसमें से मुझे लगता है कि आपको कम से कम एक टेस्ट इमीडिएटली आपको हर रोज देना चाहिए, और उसके बाद जब एग्जाम नजदीक हो तो 2 टेस्ट आपको हर रोज देने चाहिए ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल पे। और इसके साथ में जो सिलेबस है जहां पे आपकी खामियां हैं उस पर ध्यान रखने की जरूरत है, और जो ऑलरेडी आपका अच्छा काम चल रहा है जहां पे अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है उनको और कंसोलिडेट करें, क्योंकि आउट ऑफ 400 टायर टू 350 मार्क्स लेना उसकी तरफ आपको बढ़ना होगा। जैसे जैसे आप 300 की तरफ आएंगे 350 से, वैसे वैसे एग्जाम में सक्सेस होने की संभावना कम होती जाएगी। इसका मतलब मैथ 180 या 90 के आसपास कम से कम स्कोर होना चाहिए और इंग्लिश में 160 या 170 से अबो स्कोर, तब जाकर 350 बनेगा। लेकिन अगर आपको इंडिविजुअल टारगेट रखना है तो ऑब्वियसली 180 प्लस और 190 प्लस जब आप रखेंगे, क्योंकि आमतौर पर अगर एक किसी का कमजोर है थोड़ा बहुत तो 15-20 नंबर का आपको जो झटका लगेगा वो रिकवर किया जा सकता है कंसोलिडेशन में। तो आप अपने प्लान बना सकते हैं। हम भी जो SSC CGL का टायर टू के लिए प्रिपरेशन के लिए पिनेकल क्या क्या कर उठा रहा है या कौन से कोर्स चल रहे हैं और आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको अभी बता देता हूं। एक तो जो हमारा सबसे बड़ा कोर्स होता है जो 2017 और 2018 के लिए स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन कोचिंग, उसमें 2016 का जो टायर टू है और टायर थ्री है वो भी कवर कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट ये कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं टायर वन टायर टू वो कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होता है हमारा, इसमें जो भी शो टायर टू है, जो भी शो टायर थ्री है, टेस्ट सीरीज है, एवरीथिंग इज कवर्ड। अब ये ज्वाइन कर सकते हैं अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है कोई हमारा प्रोग्राम, या ये कोर्स और ये कोर्स सेम होता है। इसमें और उसमें फर्क सिर्फ हार्ड ड्राइव का होता है, क्योंकि इसमें हम जो वीडियो लेक्चर 900+ वीडियो लेक्चर्स है इमीडिएटली उसको कुरियर के जरिए भेजे जाएंगे। फिर ये कोर्स भी टायर टू के, ये दोनों कोर्स टायर टू कवर कर रहे हैं, ये कोर्स भी जो एक्सक्लूसिवली टायर टू कवरेज है, हालांकि ये कोर्स इनका हिस्सा है, आप ये ज्वाइन करते हैं इसको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट कवरेज है इसकी। लेकिन अगर कोई सिर्फ टायर टू का ही ज्वाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है, जिसमें कंप्लीट कोर्स है टायर टू के लिए, मैथ इंग्लिश सिलेबस डे वाइज टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट वीडियो लेक्चर्स एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर दिस इंक्लूडिंग वीडियो टेस्ट सीरीज। या फिर जो कोर्स को नहीं ज्वाइन करना चाहते सिर्फ टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग ये ज्वाइन भी कर सकते हैं। 80 टेस्ट विद वीडियो एक्सप्लेनेशन होगा, 40 मैथ और 40 इंग्लिश, इनका शेड्यूल होता है और आपको शेड्यूल को फॉलो कीजिए। इसमें सबसे पहले शेड्यूल में आमतौर पर जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन होते हैं उस पर डिस्कशन होता है, वो टेस्ट कवर किए जाते हैं। उसके बाद जिनको वीडियो टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करनी है, सिंपल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, अगर वो ज्वाइन करना चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। 1400 वाली टेस्ट सीरीज है, 80 टेस्ट होते हैं, 40 मैथ और 40 इंग्लिश। अगर कोई ये सिर्फ कोई भी इसमें ज्वाइन नहीं करना चाहता, सिर्फ ये ज्वाइन करना चाहता है तो वो भी किया जा सकता है। पेपर 4 होता है जो AO के लिए है, कंप्लीट कोर्स PDF होते हैं, इसमें वीडियो लेक्चर नहीं होते हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2500 इसका प्राइस। और अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, इसमें डे वाइज कोर्स होता है, यूनिट टेस्ट होते हैं, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी होती है, लेकिन इसमें सिर्फ टेस्ट सीरीज होती है। और अभी हम लोग अगले वीक है वो, अगर जिन्होंने ये ज्वाइन किया हुआ है ऊपर वाले कोर्स ये वाले 3, उनको ये ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि ये जो कोर्स है एओ का, वो जो वैश्विक टायर 2 का हिस्सा होता है, या इसका भी हिस्सा है और इसका हिस्सा है। तो ध्यान रखें कि ये ज्वाइन करने के बाद में ये नहीं करना आपको, ये ज्वाइन करने के बाद में ये नहीं करना, और अगर ये ज्वाइन कर लिया तो ये भी ऑब्वियसली नहीं करना। फिर है एक और हम लोग लॉन्च कर रहे हैं पेपर 3 के लिए, स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड एक एग्जाम होता है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए। उसके लिए जैसे ये कोर्स है वैसे ही कोर्स होगा, डेवाइज पीडीएफ कोर्स होगा ये, और साथ में डेवाइज यूनिट टेस्ट होगा, डेवाइज सिलेबस होगा। अगले लगभग 40 डेज के लिए कोर्स होगा, 35 या 40 डेज के लिए, कि आप अपनी तैयारी कैसे करिए। नेक्स्ट वीक है इसका डेवाइज सिलेबस स्टार्ट होगा, और अगर किसी को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है पेपर 3 की तो वो ये ज्वाइन कर सकता है। जिन लोगों ने ये ज्वाइन किया हुआ है वो कृपया, जिन स्टूडेंट ने ये ज्वाइन किया वो ये न करें, क्योंकि ये दोनों ही कोर्स उसका हिस्सा है। इसका मतलब जिन्होंने जॉब एश्योर टायर 2 ज्वाइन किया हुआ है उसको पेपर 3 है वो ऑटोमेटिक उसका हिस्सा होगा। और ऐसे ही ऑनलाइन कोचिंग के लिए तो सारे ही हमारे प्रोग्राम है वो उसका हिस्सा बन जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो ये था कि हमारे कौन कौन से कोर्स है जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं इंटरेस्टेड है तो कृपया ज्वाइन न करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। बस इस प्रेजेंटेशन में मेरा मैसेज आपको डेट बताना कि कब डेट है, टायर 1 का रिजल्ट कब आएगा, और हमारे कौन से कोर्स है जो आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर आप इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट।